किताबों की कहानी खत्म हो गई और रियल कहानी मोहन भाई बता दो। कॉर्बेट की धरती पे हमने पैर रख लिया है। फ्रेंड्स तो फाइनली जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो वी आर इन द जिम कॉर्बेट एंड वी आर मूविंग इन द बिजरानी जोन। आई विपुल होप वी सी द टाइगर। विपुल हाँ भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एनवायरमेंट अच्छा है। How's the rush? Josh is always high, no? So, my name is Mohan and by profession I am a naturalist and I worked in different parts of India like Central India, North, South and been to Africa once for the walk. Okay. And so into the wildlife I am from my childhood. जब हम छोटे हुआ करते थे तो picnics के लिए, walks के लिए, birding के लिए jungle आ करते थे। I think that's how I got this interest. So by profession I am an engineer also, but I quit my job and but you enjoy your hobby and make your hobby as a profession. Definitely. Yeah. That is best. Thank you. So good to meet you, sir. Thank you so much. Meet you, sir. कैसा लग रहा मोहित? तो हमारी अभी पहली जीप जा रही है क्या? अभी एंट्री चले और भी नहीं है। तो ये सबसे कॉमन डियर है किसी भी जंगल में, सबसे कॉमन डियर और जो सभी कार्निवोर के लिए प्रे बेस होता है वो ये होते हैं। दिस कॉल्ड स्पॉटेड डियर और इन हिंदी इट्स कॉल्ड चीतल। चीतल यस, चीतल ये स्पॉटेड वाले हैं ना जिसपे व्हाइट स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ डियर है जिनको चीतल बोलते हैं। तो इसमें हम जैसे टाइगर को ट्रैक कैसे करते हैं अगर वो जैसे इस जोन में घूम रहा है? कोई कैमरेज वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ फॉरेस्ट में? वो दे डजंट हैव। बट अभी हम ट्राई करेंगे पहले कुछ अलार्म कॉल को सुनने का और भी सी पगमार्क्स को हम फॉलो करेंगे। जहाँ पे पगमार्क्स एंड होंगे कुछ होंगे वहाँ पे हम रुक के थोड़ा वेट करेंगे ताकि जब टाइगर्स मूव करते हैं तो अलार्म कॉल्स होती हैं तो उससे हम अपनी कॉल लेंगे कि हमें क्या करना है। तो अभी एक कॉल आई है पार्किंग डियर की तो अब वेट करते हैं कुछ शायद देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये आपके लिए थर्ड ईयर है ठीक है। तीसरे तरह का डियर है, हमने सांबर देखा, चीकल देखा, दिस इज बार्किंग डियर। ये खड़ा था डियर है, चला गया लड़ो ऊपर। वो इससे बनती थी। हाँ ये देखिए पब मार्क है, टाइगर पीछे गया वो है ये पब मार्क्स है। ये एक फीमेल चली गई, आगे गया है तो पीछे गए, पीछे पीछे गया है, पीछे चलेंगे फिर वहाँ गया वहाँ पे। ये पीछे तो हमारे पीछे तो कुछ कॉली नहीं है ठीक है। आप पगमार्क से पता लगा सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है, हैं? वही है। शाम को आया था। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल है फीमेल? तो अगर आप इन पगमार्क्स का आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे इफ दैट विल कम लाइक ए स्क्वायर दैट मीन दैट्स अ मेल टाइगर। इफ इट कम इन लाइक ए रेक्टेंगल इट्स अ फीमेल। फीमेल के जो पॉज और टोज होते हैं ना वो पॉइंटेड होते हैं ठीक है। यहाँ पे भी कुछ डियर्स हैं। अभी आप देखो हमें 10 मिनट हो चुके हैं चले हुए, अभी हमें एक दो ही मतलब एनिमल्स दिखे, एक डियर और एक चीतल। तो ट्राई कर रहे हैं कुछ टाइगर वगैरह मिलने की कॉल्स वगैरह का, जैसे सर ने बताया अभी कॉल्स वगैरह पता चलेगी तो उनको देखते हैं, वेट करेंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हो कि नदी वक्त रिवर जा रही है पीछे, बिना पानी की रिवर है। तो यहाँ बरसातों में तो पानी आ जाता होगा, इसको बोलते हैं राव और बरसातों में आपकी जिप्सी के बराबर फुल चलते हैं, यहाँ से जिप्सी भी क्रॉस करते हैं। और इसमें जैसे जो
कैमरे में जो नहीं दिख रहा ना, अगर आप सामने लाइव देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है। मतलब लैंडस्केप जो है आप आंखों से देख रहे हो ना, वो कैमरे से कभी नहीं पता चलेगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, आगे मेरे ख्याल से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आ गया ना। तो ये बिजरानी का कैंप है, ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम स्टे की बात कर रहे थे। ओ, ये गेस्ट हाउस है तो यहाँ पे नाइट स्टे होता है। रात को जब यहाँ पे कैंपस में कॉल्स होती है तो गूज़बम्प्स होते हैं रात को। बहुत है ना, आप बाहर आ सकते हो, बस अंदर ही बैठना पड़ता है। कॉर्बेट की धरती पे हमने पैर रख लिया। फ्रेंड्स, दिस इज़ द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस ऑफ बिजरानी जोन। सो दोज़ हू वांट टू स्टे इनसाइड द जोन, दे नीड टू बुक 2 months एडवांस बुकिंग। सो दीज आर जीप्स। इज मिस्टर दिनेश हु हैज डन ऑल द बुकिंग्स फॉर अस एंड मेक दिस ट्रिप वेरी मेमोरेबल। सो मैं दिनेश जी का नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो एनी वन कैन रीच आउट टू हिम एंड ही विल बुक ऑल द अरेंजमेंट्स। बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। हाँ जी, तो अभी बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। ब्रीडिंग सीजन मीन्स बर्ड अभी नेस्ट बनाएंगी एंड पेयर में आके वो अंडे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या, ये जो कॉल्स हो रही है, जो आवाज़ें आ रही हैं, मोर बोल रहा है, ये बेसिकली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। बोल तो ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसे होता है ना एनिमल्स में। एनिमल्स में मेल को एफर्ट करने पड़ते हैं टू इम्प्रेस द फीमेल। हम लोग की तरह आंटी लेके नहीं आते ना भैया। फरवरी में तो सफारी होती है, ऐसा टाइम है जब सफारी बंद होती है। सफारी बंद होती है, मानसून में होती होगी। फॉक्स ना, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ गीदड़। ठीक है, रोड नीचे जा रही है क्या? ओ स्लो, ऐसे ओपन एरियाज में आता है ना लॉयन टाइगर, टाइगर हंट करते हैं ना ऐसे एरियाज में। हंटिंग जोन है टाइगर्स का। रियल कहानी बताओ। रियल कहानी ये होती है, जब मोर नाचते हैं उस समय उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, और उनका ब्रीडिंग सीजन फॉर्चुनेटली जस्ट मानसून से पहले ही होता है। अच्छा, तो ये कारण है। मोर ऐसा नहीं कि नाचते तो बारिश होती है, मोर नाचते ही बारिश के सीजन के पहले, ठीक है। दूसरा, मोरनी जो होती है, मोर के आंसू भी के प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर हॉल बना रखा है, शायद कोई टाइगर आए पानी पीने। वेटिंग फॉर द कॉल, पर कॉल आ नहीं रही। 3C कॉल और 3B कॉल आ रही है। PPT भी बनानी पड़ेगी। वापसी अब आ गए हम रिजॉर्ट में, तो
टाइगर तो हमें नहीं मिला, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि टाइगर मिलना बहुत ही रेयर केस है। और जो हमारे गाइड ने बताया कि आपको कम से कम 2 या 3 विज़िट तो चाहिए अगर टाइगर आपको देखना है तो, पर लक नहीं था आज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग।